Hello everyone, I am Anmol Dang from EME Technologies and welcome back to our channel. और आज हम बात करेंगे जेनरिक क्लासेस के बारे में. मेन जेनरिक क्लासेस क्या होती हैं और इसका यूज़ क्या है, और जहाँ पे हम आपको यूज़ बताने जा रहा हूँ मैं. और हमारे पास है ये सबसे पहले एक माई जेनरिक नाइन की क्लास, जहाँ पे हमने एंगल ब्रैकेट में टी को असाइन किया है. ये शो कर रहे हैं कि ये जेनरिक क्लास है, क्योंकि जब भी हम जेनरिक क्लास बनाते हैं तो हम एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं. और यहाँ पे हमने क्या किया, उसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया और दो मेथड है हमारे पास, एक ऐड सेकंड है गेट. और ऐड में हमने क्या किया, वैल्यू रिसीव कर रहे हैं टी के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, मीन्स जेनरिक क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में. और नीचे वाली क्लास में हम क्या करेंगे, उसको वैल्यू असाइन करेंगे, जेनरिक क्लास को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया, माई जेनरिक क्लास को हमने टी की जगह पे क्या यूज़ किया, इंटीजर. अब ये क्या करेगा, जो जेनरिक क्लास है हमारी टी, उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, और हम इसका ऑब्जेक्ट एज यूज़ करेंगे इंटीजर वैल्यू के साथ. वैसे ही हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू 20. और अगर इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू सेंड करेंगे, लाइक स्ट्रिंग होगी या कैर होगी, तो वो एरर शो कर देगा. और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा स्ट्रिंग का, जिसमें हम जेनरिक क्लास को स्ट्रिंग पास करेंगे. और इसमें हम कॉल कर रहे हैं अभी ऐड मेथड को, पहले हमने 20 के साथ की थी. तो उसने क्या किया, जो एमेंट है उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू पुट कर दी 20, जो कि इंटीजर वैल्यू है. और नेक्स्ट वाले में हमने क्या किया, जावा को सेंड किया, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है. अब हम क्या कर रहे हैं, एमेंट के साथ वैल्यू को गेट करेंगे जहाँ से, और इस ऑब्जेक्ट में कौन सी वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी जहाँ पर. और वैसे ही हम स्ट्रिंग के साथ वैल्यू को गेट कर रहे हैं. अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं. मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे टेक्स्ट पैड यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास फैसिलिटी है डायरेक्ट इसको रन करने की, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ Ctrl+1 फॉर इसे कंपाइलेशन. इसे हम इसकी कंपाइलेशन करते हैं और Ctrl+2 से, यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रू कंप्लीट सक्सेसफुली लिखा रहा है, तो हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है. और अब हम इसे रन करेंगे Ctrl+2 के साथ, और देखो यहाँ पे ये वैल्यू शो कर रहा है 20 और जावा, जो कि हमने पहले सेंड की थी वैल्यू 20. और ये सेम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट वे से यूज़ कर रहा है. पहले हमने 20 सेंड की तो एज ए इंटीजर इसमें यूज़ किया, देन हमने स्ट्रिंग वैल्यू सेंड की तो इसने एज ए स्ट्रिंग यूज़ किया. और जनरली का हमें यही फ़ायदा होता है, हमें टाइप कास्ट नहीं करना पड़ता और बार बार ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने नहीं पड़ते. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखना, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, प्लीज़.